हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे केमिकल चेंज के बारे में। ठीक है, केमिकल चेंज को हिंदी में रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। क्या होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, जब एक नया सब्सटेंस बनता है, दो या उससे ज्यादा सब्सटेंस जो उसमें मिला दिए जाते हैं तो एक नया सब्सटेंस बन जाता है, एक नया मैटर या नया पदार्थ बन जाता है। तो उसके अंदर इतना चेंज आ जाता है कि जैसा वो पहले था वो बिल्कुल वैसा नहीं रहता, यानी उसकी पहले की प्रॉपर्टीज और जो वो नया बना यानी ओरिजिनल सब्सटेंस बन गया उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल ही अलग हो जाती है। ओके, तो इस टाइप के चेंज को हम केमिकल चेंज कह देते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं बर्निंग ऑफ कोल यानी कोयले का जलना एंड पेपर का जलना कागज का, सोरिंग ऑफ मिल्क यानी दूध का फट जाना, ठीक है, बर्निंग ऑफ कैंडल मोमबत्ती का जलना, डाइजेशन ऑफ फूड यानी खाने का हजम हो जाना, जो भी हम खाना खाते हैं उसका हजम हो जाना। इसको हम हिंदी में समझ लेते हैं रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, जब एक पदार्थ होता है एक मैटर, अब वो ठोस द्रव गैस यानी सॉलिड लिक्विड गैस कोई भी हो सकता है, तो एक पदार्थ है जब उसमें दो या उससे ज्यादा पदार्थ मिला दिए जाते हैं तो खुद एक नया पदार्थ बन जाता है। तो जैसा वो पहले होता है बाद में दो या उससे ज्यादा पदार्थ मिलने के बाद वो वैसा नहीं रहता है, यानी उसके अंदर एक तरीके का परिवर्तन आ जाता है। इसी परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। दूसरी बात यह होती है कि ये दोबारा अपनी उस पुरानी अवस्था में वापस नहीं आ सकता, यानी वो पहले जैसा था अपनी स्टार्टिंग पोजिशन में वैसा नहीं बन सकता। ठीक है, जबकि फिजिकल चेंज में हमने पढ़ा था कि मैटर जो है दोबारा अपनी उसी स्टेट में आ जाता है वापस। ठीक है, यानी दोबारा हम उसे उसकी पुनरावस्था में ला सकते हैं, जबकि केमिकल चेंज में एक बार कोई नया प्रोडक्ट बन गया या नया पदार्थ बन गया तो हम उसे उसकी पुनः दोबारा उसी अवस्था में नहीं ला सकते जैसा वो पहले नहीं बना था। ठीक है, तो इस तरह को हम इस परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जांपल है लोहे में जंग लग जाना। ठीक है, लोहे में जंग लग गया, लोहे बिल्कुल वैसे ही पहले की तरह नहीं हो सकता। उसके बाद अगरबत्ती या कागज का जलना, अगरबत्ती में जल जाएगी एक बार ये कागज तो हम उसे दोबारा फिर से वैसा नहीं बना पाएंगे। दूध का फट जाना, देखिए दूध एक बार फट जाएगा फिर वो दोबारा उसकी शेप में वापस नहीं आ सकता। कोयले का जलना, आपको पता है कोयले के जलने से क्या हो जाता है, राख बन जाते हैं, उससे दोबारा कोयले को नहीं बना सकते। तो इस तरीके के परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जबकि फिजिकल चेंज में पढ़ा था आपने, कोई भी चेंज जब उसके अंदर हो रहा है मैटर के अंदर तो दोबारा हम उसे उसकी पोजीशन में अवस्था में वापस ला सकते थे, लेकिन केमिकल चेंज में जब एक बार प्रोडक्ट चेंज हो जाता है यानी पदार्थ की अवस्था बदल जाती तो दोबारा उसे उसकी पुनः अवस्था में वापस नहीं ला सकते। ओके, यही था रासायनिक परिवर्तन जिसे आपने इंग्लिश में पढ़ा केमिकल चेंज। ओके।